हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर के बारे में। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक कॉस्ट यूनिट रिफर्स टू द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी अर्सर्टेन और एक्सप्रेस। अब जैसे अगर हम बात करें कॉस्ट यूनिट के बारे में, जैसे जब आप दूध लेने जाते हो, मिल्क लेने जाते हो, तो आप उसको लीटर में मेजरमेंट करते हो, तो जो उसकी मेजरमेंट है वो उसकी कॉस्ट यूनिट भी है। जो भी प्रोडक्ट जिस चीज में मेजरमेंट किया जाता है वो उसकी एक तरीके से कॉस्ट यूनिट भी होती है। जैसे जब भी आप कॉस्ट पूछोगे मिल्क क्या है, तो पर लीटर कॉस्ट आपको बताएगा, एक लीटर मिल्क की कॉस्ट 50 रुपीज है। सेम लाइक दिस, अगर आप क्लोथ कपड़े की दुकान पर जाओगे तो आप वहां से पर इंच या पर सेंटीमीटर या पर मीटर आप कॉस्ट पूछोगे, उसकी मेजरमेंट यूनिट भी यही है। सेम लाइक दिस, अगर आप किसी किरासन के शॉप पे जाते हो एंड वहाँ पे अगर आपको चीनी बाई करनी है, शुगर बाई करना है, तो आप वहाँ पे पर केजी कॉस्ट पूछोगे, और चीनी की कॉस्ट भी कैसे निकलती है, पर केजी कॉस्ट निकलती है। तो यानी जो उसकी मेजरमेंट यूनिट है वही उसकी कॉस्ट यूनिट भी बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को मालूम है। तो जो मेजरमेंट यूनिट है वही आपकी कॉस्ट यूनिट है, मैक्सिमम केसेज में आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कॉस्ट सेंटर के बारे में, तो कॉस्ट सेंटर, देखो कॉस्ट सेंटर में आपको जस्ट एक पहले आइडिया देता हूं, उसके बाद हम इस चीजों को पढ़ते हैं। कॉस्ट सेंटर कॉमनली अंडर नहीं, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। कॉस्ट सेंटर होता क्या है, देखो हमने कॉस्ट यूनिट पढ़ा। कॉस्ट यूनिट क्या था, मेजरमेंट जिस यूनिट में हम करते हैं वही हमारी कॉस्ट यूनिट होती है। लेकिन कॉस्ट सेंटर क्या होता है, तो कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा कॉस्ट सेंटर, जिसके लिए हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सपोज मेरे यहाँ अगर एक सेलिंग डिपार्टमेंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, अब मुझे मालूम करना है कि उस डिपार्टमेंट को मेंटेन करने में हमें खर्च कितना आ रहा है। जैसे उसमें कितने इम्प्लॉयज है, उसमें प्रिंटिंग का खर्चा कितना हो रहा है, उसमें स्टेशनरी का खर्चा कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हमें मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें सारे खर्चे जो भी हो रहे हैं, इन सारे खर्चों को हमें एक्यूमुलेट करना होगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सेम लाइक दिस हमें प्रोडक्शन के लिए भी ऐसा करना होगा, सेम लाइक दिस कोई और डिपार्टमेंट है उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। यानी हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज या पर्सन वाइज भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल, जैसे हमारा कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उस मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, उसकी एक वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर हो गया। जिसके लिए भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर हो गया। कॉस्ट को हमें आइडेंटिफाई करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। कॉमनली अंडरस्टूड कॉस्ट सेंटर आर सब यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सब यूनिट्स में एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एंड इसके अंदर डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। वी यूज द टर्म्स ऑफ सच डिपार्टमेंट, डिविजन्स, रीजन्स एंड जोन्स इटीसी। दे कॉन्वे द सेम मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर। द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सब यूनिट्स इज इसेंशियल। ठीक है, correct identification of this sub unit is essential. Implementing the cost accounting system as the costs are ascertained and controlled with respect of the cost centers. Cost centers are sometimes called the centers that add to cost of organization and only identify indirectly add the profit of the organization. The official terminology CIMA define a cost center as a location, person, location, persons or an item of equipment for a group of them in or connected with an undertaking in relation to which costs are ascertained and used for purpose of cost control. A cost center could be a location, मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी हो सकता है। आपके मान लो आपके पास 10 फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्री आपके पास अलग अलग जगह पे, वो सारी आपके लिए कॉस्ट नहीं होगी। आप डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हो, आप पर्सन वाइज बना सकते हो, सारे क्या होगी कॉस्ट सेंटर्स हो गए, जिसके लिए भी आप कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हो, कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हो, वो आपके लिए कॉस्ट सेंटर हो गया। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखा है, इट मे बी डिपार्टमेंट कैरिंग आउट ए सर्टेन एक्टिविटी, एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लाइक ये सब कुछ आपके लिए कॉस्ट सेंटर हो सकता है। वेल्डिंग,
असेंबली ईटीसी द एक्टिविटी कुड बी सर्विस एक्टिविटी एज बिल लाइक स्टोर डिपार्टमेंट लेबर ऑफिस अकाउंट डिपार्टमेंट व्हेन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर प्रॉपरली सेटअप एंड कॉस्ट कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल पर्पस कैन बी डन इफेक्टिवली। ये सब कुछ क्या है, कॉस्ट सेंटर्स हो गया। कॉस्ट यूनिट हमारे छोटे लेवल पे होता है, कॉस्ट सेंटर उसमें थोड़ा बड़ा लेवल हो गया। ओके ये हमारे पास कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।